ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने जो है किंगडम एनिमिलिया और किंगडम लैंटी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। अब इस वाले वीडियो में मैं आपको वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस के बारे में एक्सप्लेन करूँगी कि वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकेंस क्या हैं। हालांकि वायरसेस जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है, लेकिन इनकी अपनी एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक लिंक है, इसलिए हमने इनको सेपरेट ग्रुप में स्टडी करा हुआ है। लाइकेंस क्या है? लाइकेंस एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है फंगस और एल्गी का। किस तरीके से ये फंगस और एल्गी का सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और वायरॉइड्स जो है एक तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन विद आर टॉपिक। इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देर इज नो मेंशन ऑफ सम ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस एंड वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया था उसमें कोई भी ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में किसी भी तरीके की कोई मेंशनिंग नहीं की गई थी, कोई विवरण नहीं था कि वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकेंस क्या हैं। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर, तो इनको यहाँ अलग से इंट्रोड्यूस कराया गया है। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो वॉट इफेक्ट्स वायरसेस कैन हैव ऑन अस। ठीक है, हम सब कभी ना कभी बीमार पड़े हैं, खांसी, जुकाम, फ्लू, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें किन की वजह से होती हैं? वायरसेस। आपने सुना होगा वायरल फीवर हो जाता है, तो वायरल फीवर किसकी वजह से होता है? वायरसेस की वजह से होता है। ठीक है, ये जब वायरसेस हमारी बॉडी में अफेक्ट करते हैं तो हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स और दिक्कतें हो जाती हैं। इवन इफ़ वी डू नॉट एसोशिएट इट विद आवर कंडीशन, वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। ठीक है, वायरसेस को क्लासिफिकेशन में कोई जगह इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि उसको एक्चुअली लिविंग घोषित नहीं किया गया हुआ है, मतलब वो लिविंग थिंग्स के अंतर्गत नहीं घोषित किया गया है। अब क्यों उसको नहीं किया गया है इसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए हमने उस विटेकर ने वायरसेस के लिए कोई जगह अपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं दी थी। ठीक है, इफ़ यू अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल्स। जो वायरसेस हैं वो एक तरीके के नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जैसे ये माना गया है कि उनका एक इनर्ट, मतलब एक इनर्ट का मतलब होता है रुका हुआ, स्टेबल उनका एक स्ट्रक्चर माना गया है आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल, लिविंग सेल्स के बाहर। इस समय देखिए कोरोना वायरस भी फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस को क्यों उसकी वैक्सीन्स नहीं आ पा रही हैं? कोरोना वायरस की वैक्सीन्स इसलिए नहीं आ पा रही हैं क्योंकि हमें उसका एक्चुअली सही से स्ट्रक्चर नहीं पता चल पा रहा है। उसका स्ट्रक्चर जो है, जो डिटर्मिनेशन होती है वो चेंज हो जाता है, तो इसी वजह से हम उसके प्रति कोई एंटीबायोटिक्स नहीं ला पा रहे हैं, इसी वजह से अभी तक उसकी कोई वैक्सीन्स नहीं आ पाई है। ठीक है, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्लिकेट देमसेल्व्स एंड किलिंग द होस्ट। ये क्या करते हैं, जैसे ही ये एक होस्ट सेल, वैसे बाहर जब पड़े रहते हैं तो ये कोई किसी तरीके का कोई और इफेक्ट नहीं दिखाते, डोरमेंट स्टेज में पड़े रहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनको कोई होस्ट की बॉडी मिल जाती है, कोई बॉडी सेल बॉडी मिल जाती है, तो ये क्या करते हैं, होस्ट सेल के अंदर घुस के उसकी जो मशीनरी होती है यानी जो उसकी न्यूट्रिशन होता है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, और कंज्यूम करके ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं, रेप्लिकेट करने लगते हैं। ठीक है, और इसके, और क्योंकि वो होस्ट का सारा न्यूट्रिशन उन्होंने कैप्चर कर लिया, उसकी बॉडी में आ गए, अपना रेप्लिकेट करने लगे, तो होस्ट के सेल को ये क्या करते हैं, ब्रस्ट कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? अब क्योंकि ये बाहर इनएक्टिव है और होस्ट के सेल में इनएक्टिव है, होस्ट के सेल में सॉरी एक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए इनको हमने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की बाउंड्री बोला गया। ठीक है, वायरस का स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिए, जो वायरस का स्ट्रक्चर है ये है आपका बैक्टीरियोफेज वायरस है, बी वाला, इसका हेड है, कॉलर है, शेथ है और टेल फाइबर्स है। जो इसका हेड होता है वो प्रोटीन्स का बना होता है, उसके अंदर आरएनए और डीएनए होते हैं।
ठीक है। ये है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। इसमें आरएनए आप देख रहे हैं, इनका जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है इनका आरएनए है, ठीक। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूड वॉज गिवन बाई दी पॉस्चर डीजे लेवनोस्की रिकोगनाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। अब कैसे कैसे वायरसेस की खोज हुई है, ये जो वायरस का नेम है इसका अर्थ होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूड, वेनम मतलब होता है जहर, तो ये जो वायरस होते हैं ये इनका नाम इसीलिए लिखा है क्योंकि ये एक जहर की तरह काम करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या देखा कि कुछ माइक्रोब ऐसे थे जो कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ फॉर्म कर रहे थे, मतलब फॉर्म एक डिजीज़ है टोबैको मोज़ेक डिजीज़, उसको फैला रहे थे, ठीक है। ये क्या थे, ये बैक्टीरिया, ये इतने छोटे थे कि जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स होते थे उनसे भी पास करके जा रहे थे, ये इतने छोटे थे, ठीक है। तो उन्होंने जब देखा टोबैको मोज़ेक वायरस, मतलब टोबैको प्लांट में होने वाला एक इन्फेक्शन है, इसको टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं, ठीक है। उन्होंने जब इसके बारे में स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि एक क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली प्रोटीन से बना हुआ है। ये बाहर तो इनर्ट है यानी स्टेबल है, इनएक्टिव है, पर जैसे ही होस्ट के सेल में एंटर कर रहा है ये रेप्लिकेशन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने इसको क्या कहा, एक एज अ वायरस का नाम दिया और इसको कहा कि दे आर एक्ट एज अ पैरासाइट बिकॉज दे होस्ट हार्म द होस्ट सेल, तो दैट इज़ वाई दे कॉल्ड एज द पैरासाइट, ठीक। इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी ईदर आरएनए और डीएनए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो आरएनए वायरसेस हैं इनका ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो तो प्रोटीन से बना होता है और अंदर इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए या डीएनए हो सकता है। आरएनए इज़ द राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज़ द डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नो वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, जो वायरस है या तो उसमें आरएनए होगा या तो उसमें डीएनए होगा। अ वायरस इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटीरियल इज़ इन्फेक्शियस। जो वायरस होता है एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है और जिसका जेनेटिक मटीरियल है वही क्या है, इन्फेक्शियस है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड द वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स एनिमल्स हैव ईदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो वायरसेस होते हैं वो जो प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है उनके अंदर, और जो एनिमल्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं वो उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, या तो वो आरएनए होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेजेस का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया, और फेजेस मतलब होता है स्टॉप, तो वो वायरसेस जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को स्टॉप करें उनको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेजेस वायरस कहते हैं और बैक्टीरियल वायरस भी कहते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। आर यूजली द डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इनके अंदर, ठीक है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड द कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड द कैप्सोमियर्स। जो इनका प्रोटीन होता है, प्रोटीन कोट होता है वो कैप्सिड का बना होता है, और कैप्सिड किससे बनी होती हैं, कैप्सोमियर से बनी होती हैं, विच प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, जो उनके जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती हैं। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। ये जो कैप्सोमियर्स हैं वो अपनी अरेंज करती हैं हेलिकल स्टेज में या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स में, ठीक है। वायरसेस कॉजेस डिजीजेस लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा। तो सब डिजीजेस विच आर कॉज ड्यू टू द वायरसेस आर मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाई अ वायरस। जो ह्यूमन में जो डिजीज़ है एड्स, आपने सुना होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये भी किससे फैलती है, वायरस से फैलती है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वियर विंड
क्लियरिंग ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ इज ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। प्लांट्स में किस तरीके के वायरल इन्फेक्शन सिम्टम्स शो करते हैं, जो लीव होगी वो कर्ल हो जाएगी, रोल हो जाएगी, येलो पड़ जाएगी, जो उसकी वेन्स होंगी वो हट जाएंगी, या तो वो छोटा हो जाएगा प्लांट, या उसकी जो ग्रोथ होगी वो छोटी हो जाएगी। ठीक, तो दीज ऑल आर अबाउट द वायरस। तो वायरस के बारे में मेन चीज़ क्या हुई कि जो वायरसेस हैं उनका जो स्ट्रक्चर पहले अगर देखा जाए तो दे आर वेरी स्मॉल, दे आर लाइंग इन द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वाई? बिकॉज दे आर इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट सेल्स एंड दे आर एक्टिव इनसाइड द होस्ट सेल। व्हेन दे फाउंड द होस्ट सेल एंड दे एंटर इनसाइड द होस्ट सेल, तो क्या होता है वहाँ पे जाके ये उसके जो भी न्यूट्रिशन है उसको कंज्यूम करके रेप्लिकेट करते हैं और अपनी कॉपीज बना लेते हैं, ठीक है, और होस्ट सेल को किल कर देते हैं। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है कि इनमें दो चीज़ें मेन हैं, प्रोटीन्स की जो इनका ऊपर का आउटसाइड पोर्शन है, आउटसाइड स्ट्रक्चर है, वो प्रोटीन का बना होता है जिसको हम कैप्सोमेयर भी कहते हैं, और जो इनका इनसाइड होता है यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए या डीएनए का बना होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वायरसेस। ठीक, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका वायरॉइड्स का। ओके, यस, वायरॉइड्स का, तो वायरॉइड्स क्या होते हैं देखते हैं। इन 1971 टीओ डाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट आर स्मॉलर देन द वायरसेस एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्या जो डाइनियर थे उन्होंने एक और इन्फेक्शियस एजेंट की खोज करी कि जो कि वायरस से भी छोटे थे। ठीक है, वायरस अपने आप में कितने छोटे हैं, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, और ये वायरस से भी छोटे थे। ठीक है, उन्होंने ये कैसे देखा, उन्होंने एक डिजीज़ देखी पोटैटो की, दैट इज़ कॉल्ड द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। इसमें उन्होंने देखा कि ये डिजीज़ आर कॉज बाय डी स्मॉलर इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए एंड इट लैक द प्रोटीन कोट दैट इज़ फाउंड इन दी वायरसेस। उन्होंने देखा कि वो जो ऑर्गेनिज्म था उसमें क्या था, आरएनए जो था वो फ्री था, सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड नहीं था, फ्री आरएनए था, और उसकी जो ऊपर की जो कोटिंग होती है, जैसे वायरस में ऊपर जो होती है प्रोटीन कोट पाए जाते हैं, इसमें प्रोटीन कोट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने क्या नाम दिया इसका, वायरॉइड, क्योंकि दे आर डिफरेंट फ्रॉम द वायरसेस, दैट इज़ वाई दे नेम्ड इट एज अ वायरॉइड। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वॉज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट, उनका जो आरएनए है उसका जो मॉलिकुलर वेट यानी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, एवरीथिंग्स आर मेड फ्रॉम द एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यू ऑल आर नोइंग केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा, तो जो उनका मॉलिकुलर वेट था वो कम था। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लाइकेंस का। तो मैंने आपको बताया था लाइकेंस जो होते हैं वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होते हैं एल्गी और फंगस के। ठीक है, तो अब सिम्बियोटिक मतलब कि जब दोनों लोग साथ में रह रहे हों और दोनों लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हों तो उसे हम क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन। ठीक है, द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज द फाइको बियॉन्ट एंड द फंगल कंपोनेंट इज नोन एज द माइको बियॉन्ट। इसमें जो एल्गल कंपोनेंट था उसको हमने फाइको को बियॉन्ट नाम दिया है और जो फंगल कंपोनेंट है उसको हमने क्या दिया हुआ है, माइको बियॉन्ट। माइको वैसे भी जो माइकोलॉजी होती है वो स्टडी ऑफ फंगस होती है। ठीक है।